बेगम जी अपने चार को व्यक्त करने की कोशिश कर रही है और शायद उसको व्यक्त किया जा सके अल्हम्दुलिल्लाह। और ये लॉकडाउन जो सख्त लगा हुआ था रमजान मुबारक से उसके बीच में लगाया गया था, उस दौरान जो है मैं ज़्यादा पार्टी देखते हुए बड़ी मुश्किल से आया था भाई साहब। मैं ज़्यादा बैंक था वहाँ क्योंकि किसी काम के सिलसिले में कुछ डोनेशन लेनी थी रकम, तो एक दूरी काटी हूँ। आज बहुत खुश है, बात भी करने दे रही मुझे। जहाँ की अल्लाह आपको खुश रखे, दुनिया और आखिरत की भलाई दे, सामियता फरमाए और अल्लाह हर आफत से महफूज रखे। जो हमारे प्यारे दुनिया फाने से जा चुके अल्लाह उनकी मफर बनवाए, उनके दर्जा बुलंद करे और मकाम अदा करे, उसका नेमत बदल दुनिया में भी अच्छा दे और आखरत में भी अच्छा दे और सब्र जमील भी अदा करे हम सबको। दुख तो उसी को होता है जिसके अपने जाते हैं, उन्हें तो पता होता है। या इंसान से किसी की अपनी कीमती चीज़ चली जाए उसी को पता होता है। जिस तरह मेरे हाथ पहुँच रहे हैं उनकी खबर, क्योंकि आपका भी जवाब मोहब्बत आप भी करते हैं, लेकिन जो खुद को दुख महसूस होता है वो किसी और को बहुत कम होता है। जिसको भी वापस करते होंगे और हम तो नहीं करते होंगे, लेकिन जिसकी अपनी उसकी जो उसको फीलिंग महसूस होती है उसकी ही बनता होता है। कहते हैं कि आत्मा की कदर उन्हीं से पूछे जिनकी आंखें नहीं हैं, और हम भी आत्मा की कदर उन्हीं से पूछे जिनके हाथ नहीं, पाँव की कदर उन्हीं से पूछे जिनके पाँव नहीं। नाज़रीन, आज हम अचार जो है बनाने जा रहे हैं, फाइनल करने जा रहे हैं। तो ये आपको मुझे पता है मेरी बेगम से मैं ज़रा सलाम सलाम तो कर दो, सलाम 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 तो कर दो ना ले जा, आंखों में ऐसे मिर्चे पड़ जाएंगे बेटा, उठा लो, उठा के ले जा उसको, आप हमारे साथ रहना है। तो नाज़रीन बेगम मेरी चार मिर्च कर रही है आपके सामने बाल्टी में। ये मैं लॉकडाउन के दौरान बड़ी मुश्किल से जाकर बाल्टी लिया था शहर में, लेकिन ये मेघ लगा रही है और कह रही है आपने हमारे साथ रहना है। देखें जी, हम अब अचार करने के मरहल में फोड़ा डालना है, और पहले भी एल डाला हुआ है, मजीद जो है एल डाल रहे हैं। ये सब लोग रहे और नहीं उसको हलाओ हलाओ फिर देखते हैं, ठीक है, हलाया फिर देख लेते हैं कभी कभी तो चेक कर। असल में कहती नहीं ऐल ऐसा हो, यानी कि ये सरसों का तेल है खालिस माशाल्लाह, और ये भी कॉलों से लेके आए थे हम, एक जो आम बाजारों से दुकानों पर मिल जाता है बहुत तकरीबन खालिस नहीं होता मिक्स, उसमें मुख्तलिफ और क्या क्या मूँगफली आगे पीछे डालते हैं इसलिए वो खालिस नहीं होता। तो ये आप खालिस ही देखें जी, ये करीब कैमरे में ज़रा देखें आप, ये कितने फासले पे है, एल सामने आ गया है। देखें एल जो है ज़्यादा बैगम ने डाल दिया, मैं इसको मना भी कर रहा था लेकिन नहीं मानी, और भी डालना चाह रही थी। अब उसका हम मिक्स कर रहे हैं आपके सामने, ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह का शुक्र है ये कुछ बन गया हमारा, दरअसल इसलिए बनाया गया किसी का ना हो तो सालन का मसला होता तो फिर जो है ना ताकि इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हम, तो मेहमान का टाइम साथ टेस्ट के लिए भी दे सकते हैं,
मेहमानों को, ये लुसूड़ा है देखें जी माशाल्लाह बहुत बहुत आला, ये नीचे से निकाल निकाल के ऊपर लेके आ रही है, मिक्स किया जा रहा है सारे को। और ये देखें अब सारे को मिक्स करने की कोशिश कर रही है, ये लकड़ी लकड़ी की जो डोई जो होती है ना, इससे लसूड़ा जो होता है ना वो दबता नहीं है। यानी कि अगर लोहे के चमचे जो इसने इस्तेमाल कर रहे हैं तो चमचे से जो लसूड़ा है वो कट जाता है, क्योंकि वो कटता है तो फिर वो लसूड़ा मुकम्मल नहीं आता। इससे भी थोड़ा पता पैर में तकलीफ यानी तकलीफ हमारा थोड़ा सा दब जाता है, लेकिन इतना नहीं जितना उससे कटौती हो जाती है। अब इसको मिक्स कर किया जा रहा है सारे को, ताकि असल में ऐसा हुआ कि वो हमें लसूड़ा जो है वो पहले मिल गया था और ये अम्बलियाँ जो है ये बाद में मिली हैं, और ये भी असली कन्फर्म जो अम्बलियाँ थी यानी कि ये चार के काबिल खट्टा आम जो होता है वो वाला, क्योंकि बाज़ार से जब मंडी में लेने जाएँ तो वहाँ हमें नहीं पता होता कि क्योंकि नस्ल के बारे में कि ये चार के काबिल है अम्बली या नहीं है, तो वो दुकानदार बहुत बहुत वो होता है और हम आप ज्यादा चाहेंगे क्या कह रही है, कह रही तो नहीं होगा आपसे भी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।